ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ एनसीआरपी के अंकड़े कहते हैं कि हर साल ते हर महीने 13,000 विद्यार्थी सुसाइड करता है 13,000 नौजवान सुसाइड करता है जिदे तो 10,500 के करीब विद्यार्थी होंगे ने जेडे कि कतल हुए होंगे असल च वो सुसाइड के नहीं होंगे वो कतल के होंगे ने सो सानू ये चीज़ों पछाणना चाहिए पिछले दिन ही बंगलोर यूनिवर्सिटी एक विद्यार्थी सुसाइड कर जाता है उतों की बड़ी हासोहीणी गल है सारे सुननी चाहिए आ कि पखे ना लड़के तो उन्हें सुसाइड की उतों की अथॉरिटी ने हल की कढ़िया यह नहीं कि मैंटली डिप्रैशन च क्यों गया उसदियां फीसां वाधू सी यह नहीं सोचा कहिंदे असी स्प्रिंग वाले पखे ला दें कि विद्यार्थी ने जे छत वाले पखे ना फाहा लैके मर गया असी स्प्रिंग वाले ला देंगे हुण बच जूगा सो सानू यह चीज़ों बारे सोचना चाहिए तुसी बहुते इत्थे फस्ट ईयर च नवे आए विद्यार्थियों चीज़ां नूं ध्यान दो कोखो ये मसले की हुंदे ने तुसी पिंडा चो थोड़े पिंडा चो माँ प्यो आने थोड़े चाचे ताया ने थोड़े पिंडा दे लोकां ने थोनू इस काबल करके उरे यूनिवर्सिटी च भेजिया ते थोड़ा फर्ज बनता हुण मोड़वे रूप च इह समाज प्रति चंगे कदम मुड़ो चंगीआं गल्लां उहनां नूं दिवो प्रोटेस्ट कादे संबंध च विद्यार्थियों नूं की लोड़ पै गई कि वह लाइब्रेरियां चो निकल के इस प्रोटेस्ट दे विच शामिल होए आओ पुछदे आ इसका कारण विद्यार्थी साथी तो हाँ जी साथी असीं तुहानूं पुछना चाहुंदे आ कि विद्यार्थी लाइब्रेरी च पढ़ रहे सी ते तुसीं सद्दे ला के आए हो कि बाहर प्रोटेस्ट आ प्रोटेस्ट च खड़े इस प्रोटेस्ट का की कारण है की रीजन ने तुसीं प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो मैं असल में पिछले दिन ही एक घटना वापरी हैगी देश भक्त यूनिवर्सिटी है मंडी गोबिंद नगर वह एक प्राइवेट अदारा है एक विद्यार्थी हैगा जिसने सुसाइड किया और सुसाइड करने की वजह जी उसकी फीस के माता उसकी फीस अ जुर्माना जोड़ा है वह 12,00,000 के करीब पहुँच चुका जिस तो तंग आके उसने क्योंकि वह इस इन्नी ज़्यादा फीस के भरन के योग नहीं जिस तो तंग आके उसने एक उस दे विरोध में असी अज इत्थे विद्यार्थियों ने जिहड़ा हैगा सुनियत करके विरोध प्रदर्शन किया दूजा जिहड़ा तुसीं सवाल किया भी विद्यार्थी पढ़ते विद्यार्थियों नूं उठा के लैके आउण दी असल दे विच इह जेकर इस तरह दीआं गल्लां या इस तरह के कार्यां के खिलाफ जे विरोध प्रदर्शन ना किए गए तो यह अज जिहड़े विद्यार्थी बड़े सुखाले पढ़ रहे हैं तो जिहड़ियां इह सरकारी यूनिवर्सिटियां ने पब्लिक फंडड यूनिवर्सिटियां ने इन्होंने इन्हों का हाल भी कल वड्डा हिस्सा जिहड़ा हैगा इह जिहड़ा हैगा इहदे चों क्योंकि मालवे का हिस्सा हैगा पूरे पंजाब की जिहड़ी यूनिवर्सिटी है ये इत्थे ज़्यादातर दलित मजदूर विद्यार्थी लुधियाने किसान किसानों के बच्चे जिहड़े ने ठीक ठाक पैसे दे के मतलब जे आपां तुलना करिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नाल जां कॉलेज नाल ठीक ठाक पैसे दे के जिहड़ी उत्थों एजुकेशन प्राप्त कर लैंदे तो वह जिहड़ा एक प्राइवेटाइजेशन का जिहड़ा हल है उसनों रोकण दे लई विद्यार्थी ने जिहड़े वह इत्थे इकट्ठे होए ने सर थोनों असं पूछना चाहते हैं कि उतों के जोड़े यूनिवर्सिटी के मुखी ने उन्होंने इस घटना के प्रति की कार्रवाई है की रिएक्ट है वो बारे थोड़ा कुछ पता है तो साढ़े दर्शकों जरूर साझा करो देखो जितों तक यह है भी उन्होंने मुखी का की है वो साढ़े को किसी प्रकार की सूचना नहीं असी विद्यार्थी जथेबंदी होने के नाते समाज के जिस जो भी कोई मतलब लोग विरोधी काम हो चाहे वो एक उदाहरण है मतलब एक उदाहरण है कोई भी मतलब किसी औरत के प्रति दलित के प्रति मजदूर के प्रति मतलब या कि छोटे किसान के प्रति जो भी धक्का हुआ असी उसके खिलाफ हमेशा डटके आपकी बात करते धन्यवाद करते हैं साथी का कि उन्होंने साढ़े नाल यह जानकारी सांझी की यहोजी जानकारी थोड़े नाल सांझी करते